बातों का मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। तो बेटा हमारे ऊपर भी तुम्हारा कोई असर नहीं, हम प्रॉपर्टी नहीं देंगे। प्रॉपर्टी कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। आपको बच्चे ने लेके आपके रेट से एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो गाइस। धमाकेदार को तो पता नहीं, आपको बता दूं ये है अनिकेत, मेरा काफी अच्छा दोस्त, और काफी दिनों से मुझे 20 दिनों से कम इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा था और बोल रहा था कि रेट से यार मेरी हेल्प कर दो, आप लोग एक्सपोज वीडियोज भी करते हो, तो इनकी जो प्रॉब्लम है यार वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैं अपने मुंह से बताऊंगी तो शायद आप समझ ना पाओ, क्योंकि ये लोग तो फील कर सकते हैं जिस दर से ये लोग गुजर रहे हैं। तो अनिकेत जो भी आप फील कर रहे हो ये इनके मम्मी पापा है, जैसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। तो अनिकेत जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो एक बार आप ना पब्लिक बता दो, क्योंकि वहां पे 20-22 लाख लोग हमें देख रहे हैं, तो जो भी आप फेस कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, आप बता सकते हो सामने। मैम एक्चुअली मेरी एक वाइफ है, अंजलि नाम है उनका, तो हमारी लव मैरिज हुई थी, तो एक्चुअली वो ना मेरे को ब्लैकमेल करती है कि मतलब मेरे को प्रॉपर्टी नाम कर दो, प्रेशर देते काफ़ी, मेरे मम्मी पापा को भी काफ़ी टॉर्चर करती हो, उसको मतलब सिर्फ पैसा चाहिए था, मेरे से पैसे के लिए शादी करी थी, और अभी भी उसका अफेयर चल रहा है बाहर कहीं पे भी, तो क्या ही आपकी लव मैरिज हुई थी? हाँ जी मैम। और कितने साल का रिलेशनशिप था आपका? हमारा रिलेशनशिप 3 साल का था। 3 साल का, गाइस सुन रहे हो आप, 3 साल का रिलेशनशिप था और लव मैरिज हुई थी, और आपको ऐसा लगता है कि उनका कहीं और अफेयर है? हाँ है मैम उसका। और आपने ये चीज फील किया या देखिए प्रूफ है आपके पास? देखिए मैम प्रूफ। देखिए इन्होंने, क्योंकि हमारे पास सबूत है कि उनका कहीं और अफेयर चल रहा है, और उन्होंने जो शादी की थी वो सिर्फ पैसों के लिए की थी इनसे। और अंकल जी आपको कैसा टॉर्चर कर रहे हैं? हमने इसको कई बार बोला था, बेटा सोच ले समझ ले, ठीक है प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर पैसों की बात कहाँ आती है? बिल्कुल, हमने शुरू में ही बोला था कि सोच समझ के करना। अब ये बच्चे हैं आजकल, अड़ा हुआ था इसी से ही करनी है शादी मेरे को, इसी से प्यार में ना कुछ दिखता नहीं है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे तजुर्बे का भी इस्तेमाल कर सकता था, हम तो देख कर ही पहचान सकते थे, थोड़ा फीलिंग थी उस टाइम, मेरी गट फीलिंग थी कि ये लड़की इसके लिए फिट नहीं है, लेकिन औलाद के सामने देखो झुकना पड़ता है, बाप झुक जाते हैं, क्या करते हम लोग, इसकी शादी यहाँ नहीं करते, हम अपने बेटे को खो बैठते, अब बेटे को तो खोने से अच्छा इसकी शादी वहीं करा दो, लेकिन हमारा जो मन का विश्वास था या जो हमारी फीलिंग थी वो सही निकली, आज वो पैसे के पीछे पड़ी है, हमारी एक ही औलाद है और उसके पीछे पड़ी है, पैसे दे दो पैसे दे दो, पैसा मेरे नाम कर दो, पैसा उसके नाम कर दे कि हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, हमारा बेटा कहाँ जाएगा, एज भी तो देखो कितना मैटर करता है, पैसा भी लेके वो बेटे के भी साथ रहने वाली नहीं है। अच्छा, जो उसके चाल चलन है, जो उसकी हरकतें हैं, बस वो पैसा लेके अब हम तो कैसे भी काट लेंगे, लेकिन अब हमें अपने बच्चे की तकलीफ महसूस होती है कि वो आगे क्या करेगा, सब कुछ ये ले जाएगी तो वो कहाँ जाएगा, हम तो इस लायक नहीं अब उसको और कुछ दे पाएंगे। बिल्कुल, मतलब आप समझ पा रहे हो कि लड़की ने शादी तो करी, लव मैरिज थी इन लोगों की, बस एक तरफा प्यार थे, इन्होंने शादी कर ली और प्यार में इंसान को दिखता नहीं है, लेकिन आज उनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि इनके जो ये डिसीजन था ये बहुत ही गलत था। सो गाइस हमें क्या करना है अभी, आज उस लड़की को एक्सपोज करना है, वो इनको आपको केस वेस की बात भी बोल रही थी ना कि बताना, वो चीज़ केस कर दूंगी, प्रॉपर्टी नाम कर दो, तो इन्होंने मेरे से मेरी इनकी रात को ही बात हो गई थी कॉल पे ना, तो इन्होंने बताया कि वो कह रही है कि मैं ये केस कर दूंगी वो कर दूंगी, और मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ देती है यार, इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है कि अनिकेत को मजबूरन मेरे से हेल्प लेनी पड़ गई। और आप लोगों को पता है हम लोग जो भी रियलिस्टिक चीज़ें होती है वो दिखाते हैं, तो आज क्या करने वाले हैं, उस लड़की को हम लोग एक्सपोज करने वाले हैं, ताकि उसके जो हम थोड़े बहुत प्रूफ है सबूत थोड़े बहुत इकट्ठा कर पाए, और कल को ये लोग इनकी जो लाइफ है सबकी सेफ हो जाए, और आने वाले टाइम में उसको टॉर्चर वॉर्चर ना करें इन लोगों को, ठीक है? सो अनिकेत एक काम करो, अपनी वाइफ को, क्या नाम है आपकी वाइफ का? अंजलि नाम है उनका, तो अंजलि को एक बार कॉल लगाओ और उनको बोलो कैसे भी करके कुछ भी बोलो उनको इस लोकेशन पे बुलाओ, क्योंकि हमारा कैमरा है हिडन, और देखते हैं आप वीडियो किस कहाँ तक पहुँचने वाली है, हमें भी नहीं पता है क्योंकि क्या होने वाला है हम नहीं जानते हैं। आप एक बार उस लड़की को बुलाओ, ठीक है, अंजलि को, और देखते हैं फिर एक बार क्या बोलती है, वो आती है या नहीं आती, वैसे आ तो जाएगी, कुछ ऐसा ही आप बहाना करना उसको कि वो किसी बहाने इस यहाँ तक पहुँच जाए, बस हमें इतना चाहिए। स्पीकर पे रख दो आप, क्योंकि पब्लिक सुन रही है। हेलो हेलो अंजलि। हाँ बोलो, क्या बात है? अरे एक बार तुम यहाँ आ जाओगे यार, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर में चोट लग गई। अरे तुम झूठ बोलते रहते हो, ऐसे ना नाटक करना बंद करो, तुम कभी भी कहीं भी बुला लेते हो मुझे, और जो मैं मांगती हूँ वो मुझे देते नहीं हो तुम। एक्सीडेंट की बात झूठ थोड़ी बोलूंगा यार, सही में चोट लगी हुई है पैर में, आज तुम्हारा ना भरोसा नहीं कर सकती मैं, एक्सीडेंट पता नहीं कितनी बार हो चुका तुम्हारा। नहीं मेरा सही में एक्सीडेंट हुआ यार, मम्मी भी मेरे साथ है, उनका एक्सीडेंट हो गया, हमारा चोट लगी बहुत, यही तुम्हें लोकेशन सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है? करो ठीक, झूठ हुआ ना देख लेना फिर तुम, नहीं झूठ है, आ जाओ भेजो लोकेशन, ठीक
आने के लिए लड़की रेडी हो गई है अंजलि, तो एक काम करो व्हाट्सएप पे करंट लोकेशन शेयर कर दो, तो उनके आने का फिर इंतजार करते हैं, देखते हैं वीडियो किस हद तक जाने वाली है, हमें नहीं पता बेटा, कुछ भी अगर कुछ हो सकता है तो हम लोग तो परेशान हो गए हैं, क्या करें, कहां जाएं, किसको बोलें, किसके सामने रोना रोएं, वो तो इतनी धमकियां देती है, मैं तुम्हारे ऊपर भी इल्जाम लगा दूंगी, अब इस उम्र में अगर मुझ पर इल्जाम लगेगा बेटा मैं किसको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मतलब आप लोगों को प्रेशराइज कर रही है वो। गाइस आपको एक बात बता दूं कि किसी को प्रेशराइज करना, किसी को मेंटली टॉर्चर करना, ये भी एक क्राइम है, ये भी बहुत ही गलत है, उसके खिलाफ ना मतलब कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि वो आप लोगों को मेंटली टॉर्चर कर रही है और इतना प्रेशराइज करेगी तो सामने वाला कभी भी गलत कदम उठाने पे मजबूर हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना जो कसूरवार होता है वो सहने वाला होता है, तो बस आप लोगों को सहना नहीं है, ठीक है आप लोग। बाकी जितना मेरे हाथ में है हम लोग हिडन कैमरा रखते हैं, जितना हम लोग सबूत इकट्ठा कर सकते हैं उसके मुँह से खुद निकलवाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं वीडियो का रिजल्ट कैसे होने वाला है, वेट करते हैं, उन्होंने अपनी लोकेशन शेयर कर दी, सो गाइस वेट करते हैं और देखते हैं वीडियो के रिएक्शन कैसे होते हैं। ये जो सामने रेड सूट में आ रही है यही है क्या? हाँ जी जी, अंजलि। तो आप ही हो अंजलि? हाँ जी मैं ही हूँ। कैसे हो आप? मैं ठीक। ठीक हो आप? हाँ ठीक है। आपको पता है इनको चोट लग गई है बहुत ज्यादा पाव में, तो ऐसे ही चलता रहता है, रोज का ड्रामा है ये तो। ऐसे आप बोलो। मैं इनकी दोस्त हूँ अच्छी, और अंकल जी मेरे पापा समान है बिल्कुल। आप बैठ जाओ। नहीं नहीं मैं एक बार कुछ नहीं, दो मैं तो बात करने आई हूँ इनसे, ये रोज कहीं ना कहीं मुझे बुला लेते हैं, ड्रामा करते हैं, और जो मैं बोलती हूँ वो मानते नहीं है। एक बार आप बैठो तो सही। आप ड्रामे नहीं कर रही हैं, मैं कहाँ ड्रामा कर रही हूँ, मैं कुछ ब्लैकमेल नहीं कर रही, मैंने इनसे शादी की है, मैंने इनसे पहले ही बोल दिया था मुझे पैसे चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, तो पैसे तो दे रहे हैं। बिल्कुल मैंने पैसों के लिए शादी की थी, ये बात ठीक थोड़ी होती, 3 साल का रिलेशन था हमारा, फालतू में था सिर्फ पैसे के लिए था, तो तुम्हें पता नहीं चला 3 साल के रिलेशन में, तो सिर्फ भीख की मांग रही थी तो पहले ही मांग लेती, झोपड़पट्टी लेके देता तुम्हें भी मैं, तो मुझे झोपड़पट्टी नहीं चाहिए थी ना, मुझे तो मैरिज चाहिए तुम्हारा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए बस, नहीं आप कहीं भी जाओ मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। देखो आप रूड मत हो बिल्कुल भी, ठीक है, एक बार रूड नहीं हो, प्यार से बात करो, मुझे रूड करके मजबूर कर देते हैं ये, मजबूर क्या, आपको किस चीज की कमी दी हुई है, मेरे बेटे ने या हम लोगों ने, नहीं मुझे रह रही हो अच्छे से, मुझे अकेले रहना है, मुझे प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए आप, ऐसे कैसे प्रॉपर्टी के लिए, तो ये कहाँ जाएगा हमारा लड़का, कहाँ जाएगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अगर हम आपको मैं ऐसे छोड़ दूं कहीं पर रोड पे ले जाके, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं अपने माँ बाप को, मेरे माँ बाप तो मेरे है ना, तो मेरे माँ बाप मेरे नहीं है, तुम्हारे माँ बाप भी है नहीं, हमें तुम्हें सारी प्रॉपर्टी दे दे तो अपने बच्चे को कहाँ रोड पे छोड़ दे, मुझे इस बातों से कोई लेना देना नहीं है, आप कहीं भी जाओ, आपकी 2 रोटी 2 कपड़े जोड़ी मैं आपको भिजवा दिया करूंगी, मैं क्यों हम मानते हैं कि हम भिखारी लगे, अगर हम प्रॉपर्टी नहीं देते तो मुझे आपकी बातों से कोई लेना देना नहीं है, इस बूढ़े को देख रही है आप, चंद पैसों के लिए आप बोल रहे हो केस डाल दूंगी मैं, ये कर दूंगी मैं, वो कर दूंगी, प्रेशराइज कर रहे हो, आपको पता है प्रेशराइज किसी को करना क्राइम है, खिलाफ आपके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं, मांग रही हूं, कोई क्राइम नहीं है, हक नहीं मांग रहे आप, अपना हक ही मांग रही हूं मैं, हमारा कोई हक नहीं है, उनकी मेहनत की कमाई है, उन्होंने घर बनाया, उन्होंने हर चीज करी, हम आपको आपका हक दे रहे हैं, आपको अपने साथ रख रहे हैं, हमने आपको अपनी बेटी की तरह रखा हुआ है, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, तुम कहीं भी जाओ कुछ भी करो कैसे भी रहो, मतलब खाओ ना खाओ मेरी कोई सिरदर्दी नहीं है इसमें, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, हम प्रॉपर्टी अपने लड़के को दे रहे हैं, लड़का है हमारा, वो पति भी तो है मेरा, बात सुनो, पहले पति तो क्या है, आपने शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, पहले हमारा बेटा, एक मिनट में बात कर लूं, पति तो बेटा, एक मिनट, अपनी सारी जिंदगी की कमाई हुई दौलत जो हमारी है वो ये घर है और एक ये बेटा है, ये भी अगर तुम ले लोगी तो हम कहाँ जाएंगे, आपका बेटा आपको दे रही हूँ, मेरे को प्रॉपर्टी दे दो बस, एक बात बताओ बेटा, बेटा भी तुम हमें दे रही हो, तो हमने सारी जिंदगी जो काम किया वो आपके लिए किया, वो आप जानो उनकी कितनी शादी की है, शादी की है उनसे मांग रही हूँ मैं, आप कहीं से भी दो, आपने कमाया या उसने कमाया मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने रात रात भर ओवर टाइम करके ये इतनी मेहनत करके ये घर बनाया, मैंने नहीं है कुछ लेना देना, दिल में इतनी भी इंसानियत नहीं है क्या, नहीं, एक तो तुम्हें तुमने लव मैरिज करी, तुम्हारा 3 साल का रिलेशनशिप था, ठीक है, उसके बाद तुमने कितना परेशान कर रखा है सबको, ये सोचा तुमने एक बार भी, आप मत, मैं फैमिली में ही हूँ, मैं फैमिली में ही हूँ,
इतनी बनी नहीं रही फैमिली की, तो फैमिली मैटर कहाँ से? अभी तो मैंने तलाक नहीं लिया ना, अभी तो मैं इनकी बीवी हूँ। हाँ तो बीवी है ना, तो बीवी फैमिली में हूँ ना मैं, तो बीवी क्या, बीवी भी और बेटी भी दोनों तरह से आपको रख रहे हैं। मैं अपना हक मांग रही हूँ, तो इसमें आपको मैं कोई हक नहीं है, हक बेटे का है, बहु बाद में है, हक बेटे का है, तो मैं अपने पति से ही मांग रही हूँ। तो पति का है ही नहीं, जब तो तुम्हें अपने पति से प्यार का है अपने माँ। हेलो, तुम्हें अपने पति से प्यार का है, तुम्हारा तो कोई और अफेयर चल रहा है ना, तुम्हें अपने पति से प्यार ही का है। उससे क्या, शादी भी पैसों से की है, क्या लेना देना तुम्हें शादी? मैं फैमिली में हूँ ना, शादी की है, पत्नी तुम उसकी हो और अफेयर कहीं और करोगी, ये कहाँ तक ठीक है? हम कैसे प्रॉपर्टी तुमको दे दे? ना मैं आपकी बातों में पड़ती हूँ, ना आप मेरी बातों में पड़ो, मुझे प्रॉपर्टी दे दो। ड्रामा कर करके मेरे को परेशान मत किया करो, इतनी धूप में मेरे को बुलाया यहाँ पे, रोज कहीं ना कहीं बुला लेते हो ऐसी बातें करने के लिए। अगर प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं करते हैं तो तुम क्या करोगे? केस करूंगी इनके ऊपर। कौन सा केस करोगे? कुछ भी बोलूंगी। क्या बोलूंगी? मेरे को परेशान। अच्छा, लड़की होने का इतना नाजायज फायदा उठाओगी तुम? नाजायज फायदा तो नहीं, कुछ भी झूठ बोल दोगी, कुछ भी झूठ कहाँ है ये? सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए मांग रही हूँ, प्रॉपर्टी मांग रही हूँ कोई। तो अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत करके उन्होंने अपनी कमाई से घर बनाया, हमारी हालत तो देखो। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इनसे इतना कह रही हूँ कि इनकी दो रोटी का इंतजाम करके रखूंगी, मैं इनके दो कपड़ों का इंतजाम करके रखूंगी। दो कपड़े हमारी बीमारी है, हम कुछ है, आगे हम जवान नहीं हो रहे हैं, और बुढ़ापा हमको आना है। बेटा है ना आपके पास जवान, छोड़ बेटा, बेटे की तो सारी प्रॉपर्टी आपके लिए, प्रॉपर्टी तो सारी खिलाएगा, सारी लेके जा रही है, तुम अपना कमाओ, खुद रहो, जा रहा है ना। तुम्हें जब प्यार ही नहीं था तुमने शादी क्यों की? पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए, और तुम किसी और के साथ सेटल भी होना चाहती हो, सिर्फ प्रॉपर्टी तुम नाम करा के तुम जाना चाहती हो, तुमने शादी इसको ये झूठा बोला, हमारी प्रॉपर्टी है, उससे भी प्रॉपर्टी मांगनी है, पैसों के लिए कोई दीन ईमान नहीं है ना तुम्हारा, कोई दीन ईमान नहीं है, कुछ भी कर सकती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं ऐसे ही हूँ, ऐसा लगता नहीं है, तुमने ऐसी चीजें की है और तुम ऐसी हो। मैं सिर्फ पैसों के लिए तुमने एक मासूम लड़की को फंसाया, उसके पूरे परिवार को तुमने टॉर्चर कर रखा है, तुम उनको प्रेशराइज करती हो बहुत ज्यादा। मैं उसके रिलेशन में थी, उसको भी पता नहीं चली ये बात कि मैं उससे क्या यूज कर रही हूँ या उसको टॉर्चर कर। तुमने दिखाया ना ऐसा कि तुम प्यार करती हो उससे, तभी तो उसने शादी की अपने माँ बाप के खिलाफ जाके, हमारे मना करने पे भी तुमसे उसने शादी की कि नहीं वो लड़की बहुत अच्छी है, आपकी सेवा करेगी। बातों का मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। तो बेटा हमारे ऊपर भी तुम्हारा कोई असर नहीं, हम प्रॉपर्टी नहीं देंगे, प्रॉपर्टी हमारी ये बेटी है। हमारे चक्कर में मैंने अपने मम्मी पापा को इतना परेशान कर दिया, कल को अच्छा एक बात बताओ, औलाद है हमारी, कल को मुझे नहीं मालूम, ये आप रो के मेरे को इमोशनल, कल को वो कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल, उसका जिम्मेवार कौन है ये बता दो मुझे तुम। मेरे को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो पैसों से मत लेना देना है ना, कोई मरे जियो तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा कोई दीनी माल तो है नहीं। छुड़ा लो ना प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, क्यों कर दिया पूरी मेहनत की कमाई, बेटे के होते हम तुम्हारे पूरी जिंदगी का लाभ दिन एक करते हुए उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा करके एक घर बनाया, तुम वो भी अपने नाम करना चाहती हो? तुम्हें शर्म आनी है? इनका बेटा छोड़ दिया इनके लिए, वो कमा के खिलाया, मैंने तो चाहे रात में करे चाहे दिन में करे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। बेटा छोड़ दिया और तू अपने यार के साथ अयाशी करे जाके, प्रॉपर्टी दे दे और तू और यार को बोलो फिर वही भीख ही मांग लेती, यार भीख ही मांग लेती, अयाशी करने जाती है जिसके लिए तू इसको छोड़ने को तैयार है, इसकी प्रॉपर्टी के लिए हम इसको, हमारी प्रॉपर्टी यही है बस, तुम्हें लेनी है तो यही लेगा। आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो, यार के साथ रहती या यार को बुला लेती, आपने देखा मुझे उसके साथ? देखा, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है, लड़के ने देखा। अगर तू हमारे ऊपर केस करती है मैं ये कर दूंगी तो हमारे पास तेरे सारे सबूत हैं, और जो तुम अपने मुंह से खुद ही बोल चुकी हो। हाँ समझी, तुम्हारा कोई दीन ही मान नहीं है, मैंने तो सुना था भगवान ने हर किसी को एक सच्चा दिल दिया होता है, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई दिल ही नहीं है क्योंकि तुमने शादी पैसों के लिए की है। हमारे देखो आपको जो समझना हो समझ लो, अगर हम लोग प्रॉपर्टी नाम नहीं करते आपके, प्रॉपर्टी चाहिए, अरे भीख मांग लेती यार, प्रॉपर्टी चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी हमारा बेटा है, हम इसी को ही दे सकते हैं, यही हमारी प्रॉपर्टी है बस। हम कहाँ है, आज है कल नहीं है, तो हमें तो तुम्हारे पास डिसाइड कर लो क्या करना है, मेरे को डिसाइड कर चुके हैं हम लोग, आप तुम्हारी हो ही जाए, हम लोग ये पूछ रहे हैं अगर आपको प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं करते तो आप क्या डिसीजन लेने वाली हो? मैं केस करूंगी फिर सीधा। अच्छा केस करोगे, किस किस को फंसाओगे केस में? सबको फंसा दूंगी, सबको फंसाओगी, डाल दूंगी। अच्छा यही धमकी देती है मेरे को, 2 साल हो गए हमारी शादी को, तब से यही 2 साल से यही धमकी दी जा रही है, और ऐसे टॉर्चर करके तुम्हें पता नहीं है कितना बड़ा क्राइम है, किसी को तुम मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, पता है तुम्हें इस चीज का?
और तुम एक चीज, मैं इनसे प्रॉपर्टी मांग रही हूँ, उनको कोई टॉर्चर नहीं करती। यार देखो, मैं तुम्हें प्यार से समझाना चाहती हूँ, अपनी हरकतों से बात आ जाओ। अगर तुम्हें नहीं रहना इसके साथ, प्यार व्यार नहीं है, पैसों के लिए की थी तो डाइवोर्स देके खत्म करो कहानी। वो अपनी दिन रात की इतनी मेहनत करने के बाद उन्होंने घर बनाया, वो तुम्हारे नाम नहीं कर सकते। ये वो तो करना पड़ेगा, तुम नहीं मानोगी ना प्यार से। तुम प्यार से नहीं मानोगी ना। हम सिर्फ पहले मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ प्यार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो आपको समझ में नहीं आ रही है। इज्जत की भाषा आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। मेरा लड़का दिन रात रोता है हमारे आगे की ऐसी, तुम्हारे भी माँ बाप है। हमने इतना समझाया उसको, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हारे भी माँ बाप है, तुम्हारी भी भाई भाभी होंगे, तुम्हारी माँ से ऐसा वो व्यवहार करती है। और तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भी माँ बाप है, तुम्हारे आगे रो रहे हैं और तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है, तुम्हें बिल्कुल भी दिल नहीं है कि लड़की की इज्जत क्या होती है। मम्मी पापा को खाना तक नहीं देती, मैं 11 बजे रात को अपना ऑफिस बंद करके आता हूँ, तब जाके मैं इन्हें खाना खिलाता हूँ। शर्म नहीं आती ना तुम्हें बिल्कुल भी? तुम जैसी लड़कियां घर उजाड़ू होती हो, घर उजाड़ू। टाइम वेस्ट मत करो इतनी बातें बोल बोल के, मैं पहले ही बहुत टाइम वेस्ट। चलो हम तुम्हें फिर तुम्हारा नजारा, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करते हूँ, तुम्हें एक चीज बता देते हैं। जो तुमने सारी चीजें बोली है ना, सारी मैंने ना रिकॉर्ड कर लिया, और ये सारी क्लिप्स है ना, इनको तो छोड़ो, जो सारी क्लिप्स है ना जाके थाने में दे रही हूँ अभी। ये जो तुमने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया ना सारी चीजें, ये तुम्हारे मुंह से, तुम्हें हमारी प्री प्लानिंग थी और तुम्हारे मुंह से निकलवानी थी सारी चीजें, ताकि हमारे पास प्रूफ हो।